2003 विश्व कप का 36वां मुकाबला, भारत बनाम पाकिस्तान। उस दौर का एक ऐसा मैच जिसे आज भी कोई दर्शक भुला नहीं पाया है। तो इस मैच के पहले ग्रुप की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर विश्व कप में राज कर रहा था। अब अगले राउंड में यानी सुपर सिक्स में जाने के लिए खाली दो जगह खाली थी और तीन देश कतार में लगे हुए थे। अब एक तरफ इंग्लैंड जो पाकिस्तान को हरा चुका था, वहीं दूसरी तरफ भारत जो इंग्लैंड को हरा चुका था। यानी अगर पाकिस्तान यह मैच जीत जाता तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाता, और क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया से इस विश्व कप में एक तरफा हार चुका था, इसलिए नेट रन रेट की तो बात ही ना की जाए। यानी अब यह मैच एक ऐसा मैच बन चुका था जिसमें करो या मरो। शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं एक ऐसे मैच की कहानी जिसे दोनों देशों की जनता ने एक मैच नहीं बल्कि 23 खिलाड़ियों के बीच एक मैदानी जंग बना दिया था। एक मिनट, 23? तो मैच के एक दिन पहले जहां सरहद के दोनों तरफ जनता बेसब्री से इस मैच का इंतज़ार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दोनों खेमों में खिलाड़ियों की रातों की नींदें उड़ी हुई थी। अब भारत बनाम पाकिस्तान अपने आप में ही रोमांच की सारी हदें पार कर देता है, लेकिन इस मैच का इंतज़ार तब और बढ़ गया जब 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के विरुद्ध खेलना बंद कर दिया था। यानी अब दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ द्विपक्षीय यानी बायलैटरल सीरीज खेलने बंद कर दिए थे, और अब लगभग 2 साल बाद दोनों देश विश्व कप में आमने सामने थे। और भारतीय टीम के ऊपर जिम्मेदारी तब और बढ़ गई जब भारतीय जनता ने पार्लियामेंट अटैक का बदला मैदान में लेने की आस लगा बैठी। मैच का प्रभाव पूरे देश में ऐसे बढ़ गया कि कई राज्यों में तो बैंक हॉलिडे घोषित कर दिए गए, और जहां नहीं था वहां लोगों ने अवकाश लेकर मैच देखने की तैयारी शुरू कर दी। यानी अब हो ना हो दबाव अपनी चरम सीमा पर था, और ऐसे में आग में घी डालने का काम किया पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों ने। एक तरफ वसीम अकरम, हमारा मुकाबला भारतीय टीम से नहीं है, हमारा मुकाबला तो मात्र एक खिलाड़ी सचिन से है, हमें बस सचिन का विकेट चाहिए, बाकी तो पूरी भारतीय टीम 100 रन के अंदर ही ढेर हो जाएगी। और रही बची कसर शोएब अख्तर ने पूरी कर दी। देखिए, मैं इस मैच में बड़े नामों को टारगेट करने वाला हूँ। जब तक मैं फॉर्म में हूँ मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता, चाहे वो सचिन हो या पॉन्टिंग। अब पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की खुली चुनौतियाँ और करोड़ों लोगों की उम्मीदें, मैच की चिंता चेहरों पर साफ नज़र आ रही थी। सचिन जो पिछले 12 दिनों से सोए नहीं थे, वो आज भी उसी मैच के ख्याल में थे। उनके दिमाग में उस मैच की तारीख छप चुकी थी, 1 मार्च। नए दिन की शुरुआत होती है, वो दिन आ गया था जिसका सबको इंतज़ार था। भारत बनाम पाकिस्तान विश्व कप 2003। अब सभी खिलाड़ी जल्दी जल्दी तैयार होकर मैदान के लिए निकल लिए। मैदान में जल्दी पहुंचकर टीम ने देखा कि पाकिस्तानी टीम उनसे भी पहले वहां पहुंची हुई है। आखिरकार रात में नींद तो उन्हें भी नहीं आई थी। दोनों टीमें तैयार थीं, लेकिन तभी एक फैसला लिया गया। खेल भावना बनाए रखने के लिए दोनों टीमों को मैच से पहले गिफ्ट एक्सचेंज करना था। इसी के साथ टॉस होता है और मैच की शुरुआत होती है। पाकिस्तानी कप्तान वकार यूनिस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। करोड़ों लोगों की उम्मीदें मात्र 11 खिलाड़ियों के ऊपर। इसके बाद मैच शुरू किया गया। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने सईद अनवर और तौफीक उमर की जोड़ी मैदान पर आई।
भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के हर बल्लेबाज पर अपना शिकंजा कसा हुआ था, सिवाय सईद अनवर के। सईद अनवर जो दूसरे छोर पर पिच पर खूंटा गाड़कर डटे हुए थे, और जब पाकिस्तानी पारी का अंत हुआ तो एक तरफ सईद अनवर का शतक और दूसरी तरफ पाकिस्तान का विशाल स्कोर 273 रन। अब स्कोर 273 यानी लक्ष्य लगभग 325 का। हर दर्शक के साथ खुद पाकिस्तान भी यह जानता था कि हमने बोर्ड पर काफ़ी बड़ा स्कोर टांग दिया है। अब भारत के आगे 274 रन का लक्ष्य था, एक ऐसा लक्ष्य जिसने करीब करीब भारत के हाथों से जीत छीन ही ली थी। अब पहले ही बड़े स्कोर का दबाव था, ऊपर से अब बारी थी कहानी में 23वें किरदार की। दरअसल हरभजन सिंह, जिनकी जगह टीम मैनेजमेंट ने इस मैच में अनिल कुंबले को रखा था, वो लंच रूम में बैठे हुए थे, तभी वहाँ यूसुफ आए और उन्होंने मजाक मजाक में भज्जी के मजहब के बारे में बोल दिया। इसके बाद दोनों के बीच में गाली गलौज शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ में फोग पकड़े आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ अनहोनी होने से पहले टीम मेंबर्स ने आकर लड़ाई छुड़वा दी। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, पूरे मैच का माहौल ख़राब होता जा रहा था। सबकी जुबान पर एक ही वाक्य था, पहाड़ जैसा लक्ष्य है, पहाड़ जैसा लक्ष्य है। लेकिन भारतीय टीम हार मानने वालों में से नहीं थी। कप्तान का साधारण सा उपाय, 10 ओवर शांति से खेलो, उसके बाद देख लेंगे। और इसी के साथ एक बार फिर पूरा स्टेडियम झूम उठा, क्योंकि पारी की शुरुआत करने आ रहे थे सचिन। करोड़ों लोगों की उम्मीदें मात्र एक खिलाड़ी सचिन पर, वही सचिन जो पिछले 12 दिनों से सोए नहीं थे और मैच के दबाव के कारण आज का नाश्ता भी नहीं किया था। सचिन जिन्हें अपने देश के लिए यह मैच जीतना था। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने पहला ओवर आराम से खेला, लेकिन कहानी शुरू हुई दूसरे ओवर से, जब कप्तान वकार यूनिस ने गेंद शोएब अख्तर के हाथों में दी और पहली ही बॉल से शोएब अख्तर ने स्लेजिंग स्टार्ट कर दी वीरेंद्र सहवाग को। अबे ओए, चल हुक मार के दिखाना, ओए हुक मार के दिखाना। और इसके बाद जब सहवाग का पारा चढ़ने लगा, तब उन्होंने शोएब को बस इतना कहा, सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे तेरा बाप खड़ा है, जाके उसे बोल हुक मारे। बस फिर क्या था, शोएब की अगली गेंद दोबारा बाउंसर और अब की बार स्ट्राइक पर सचिन दलदी, एक ऐसा शॉट। इतना ही नहीं, इसके बाद अगली लगातार दो गेंदों पर दो चौके आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सचिन अकेले दम पर ही स्कोर आगे बढ़ाए जा रहे थे। जब मैच हमारे हाथों में आता हुआ दिख रहा था, तभी सचिन को दर्दनाक क्रैम्प्स होने लग गए। सचिन दर्द में इतना जूझ रहे थे कि उनसे ढंग से हिला भी नहीं जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो पिच में लगभग 10 ओवर तक टिके रहे और अपने देश के लिए उम्मीद की किरण बने रहे। इसके बाद सचिन 98 रन पर पहुंच गए, अपने शतक से मात्र 2 रन दूर। दर्द इतना कि भागने के लिए बाय रनर तक लगाना पड़ गया, लेकिन इतनी देर तक दर्द में जूझते हुए आखिरकार सचिन के शरीर ने जवाब दे ही दिया। अपने शतक से मात्र 2 रन दूर रहे सचिन अपना विकेट गवा बैठे। उस दौर में अक्सर ये सुनने को मिला करता था कि सचिन है तो मैच है, सचिन नहीं तो मैच नहीं। दर्द से जूझता हुआ लंगड़ाते हुए जाबाज खिलाड़ी अपने देश की उम्मीदों पर खड़ा हो चुका था, लेकिन अब ज़रूरत थी कि कोई उसकी उम्मीदों पर खड़ा हो उतरे, क्योंकि अभी भी भारत को और 100 रनों की ज़रूरत थी। अब किसी न किसी को सचिन की उम्मीदों पर खड़ा होना था, और इसका जिम्मा लिया राहुल द्रविड और युवा बल्लेबाज युवराज सिंह ने। दोनों बल्लेबाजों ने सचिन की रखी गई नींव पर काम करना चालू करा और आराम से खेल कर भारत का स्कोर आगे बढ़ाते रहे, और दोनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की बदौलत भारत ने एक ऐसे मैच में लक्ष्य हासिल कर लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी।
98 रन की वो पारी जो शतक से भी बढ़कर थी। मैच खत्म होता है, सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठते हैं। ये एक ऐसा मैच जिसे आज भी कोई दर्शक भुला नहीं पाया है। 22 नहीं 23 खिलाड़ियों की जंग थी ये मैच। पूरा देश खुशी से झूम उठा था, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में भी हमारा ही तिरंगा लहराया जा रहा था। कैसे मात्र एक खिलाड़ी ने पूरा खेल बदल दिया था। एक बार फिर सचिन अपने पूरे देश की उम्मीद पर खड़े हो उतरे थे। पूरा देश खुशी में झूम उठा था, सड़कों पर खिलाड़ियों के नारे लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क में खिलाड़ियों को बदनाम करा जा रहा था। मात्र एक खिलाड़ी ने पूरे देश को भावुक कर दिया था और हमें मिला यह एक मैच जिसे आज भी कोई दर्शक भुला नहीं पाया है। बस आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो के अंदर।